कंचन नगरी के सम्राट विश्वसभा सुत दस मोल दशक लिव दशकंठ दशानन इत्यादि नामों से विभूषित थे। श्री रावण जी जय जय भोलानाथ की, जय जय भोलानाथ की, जय जय महाकाल। स्वर्ग से बलंगल बारिश, जय जय महाकाल की, जय जय महाकाल की, जय जय महाकाल। श्री दशानन जी आपकी ओर से एक बिंदु रखा गया, आपने कहा संसार की समस्या का समाधान या तो शस्त्र से और या शास्त्र से। शास्त्र ब्राह्मणों के अधीन है और शस्त्र क्षत्रियों के अधीन है। तुम्हारी ओर से जो बात रखी गई है कि अगर ब्राह्मण वेद न पढ़े, शास्त्र न पढ़े तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर शास्त्र फाड़े जाए तो ये अनुचित है। दूसरी बात तुमने रखी, छत्री युद्ध न करे, रक्षक न बने, लेकिन अगर वो युद्ध स्थल में आकर के अस्त्र तोड़ दे ये अनुचित है। धर्मावलंबियों के लिए ये कार्य अनुचित है, लेकिन सत्यता की बात ये है कि जो धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा की गई है ये किसी और के द्वारा नहीं कराई गई, ये स्वयं भगवान शंकर के द्वारा कराई गई है। और भगवान शंकर न तो ब्राह्मण है न क्षत्रिय, वो स्वयं सामर्थ्यवान है। और सामर्थ्यवान जो कार्य करता है तो सिद्धांत कहता है समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक शोषण की नहीं। जैसे गंगा में चाहे जो कुछ बह जाए गंगा दोषी नहीं होती, अग्नि में चाहे जो कुछ जल जाए अग्नि दोषी नहीं होती, सूर्य की किरण चाहे जहाँ पहुंच जाए सूर्य की किरण दोषी नहीं होती। उसी प्रकार सामर्थ्यवान भगवान शंकर उन्होंने आज्ञा प्रदान की, धनुर्मदी अंग ले गए हैं, पूज्य तम तो पूजयी तस्म विद्या का कार्य हम बनाए कौन लाए चा। ये भगवान शंकर की आज्ञा है और भगवान शंकर की आज्ञा से राजा जनक ने यह प्रण किया है। तो क्या भगवान शंकर की आज्ञा की अवज्ञा करने का अधिकार तुम्हें है? और अगर है तो बताओ, अगर है तो बताओ। गुरु की आज्ञा का पालन करना ये धर्म है और गुरु की आज्ञा की अवज्ञा करना ये अधर्म है। तो अगर तुम गुरु की आज्ञा का पालन करते हो तो तुम्हें इसमें सहमति देना चाहिए, और अगर गुरु की आज्ञा नहीं मानते हो तो कह दो कि मैं गुरु शंकर जी को नहीं मानता, मैं तुम्हारी बात स्वीकार कर लूंगा और तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। अगर तुम ये कह दो कि मैं शंकर को नहीं मानता, शंकर जी की नहीं मानता, शंकर की आज्ञा नहीं मानता, और अगर ऐसा है आज्ञा मानते हो तो जो तुम ये विरोध कर रहे हो ये अनुचित है, इस पर सुधार करो, और अगर नहीं सुधार करोगे तो सुधार दिए जाओगे, इतना ध्यान रखना। बाहर से द्वारा कहा गया, प्रण किया गया विधेय के द्वारा, भगवान शंकर के आदेश के द्वारा किया गया। कहते कोई हम लोग व्यक्ति कहा जनक ने प्रण किया, जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ बेटी सीता का पारिवारिक संस्कार होगा। श्री बालासुर जी, यदि अमर बाद में कोई प्रण करता है तो कहता है यदि संध्या तक मेरा ऐसा कार्य नहीं हुआ तो मैं अपने अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। जनक ने यदि प्रण किया धनुष टूटे तो सीता का पारिवारिक संस्कार कर देंगे। जनक ने यह प्रण क्यों नहीं किया यदि धनुष कहीं न टूटा तो जनक ये हाल कर रहे हैं। बस एक क्षण जाओ, तुम्हारी बात का उत्तर तुरंत दिए दे रहा हूँ। तुमने कहा प्रण करने का एक नियम होता है कि अगर ये कार्य पूरा न हुआ तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, ये नियम होता है। लेकिन राजा जनक ने जब प्रण किया, अगर राजा जनक ने ये प्रण किया होता तो राजा जनक ऐसा कहते, लेकिन राजा जनक ने प्रण किया नहीं, सेवा ही कराल ये भगवान शंकर ने प्रण करवाया है। तो जिसने करवाया है वो सोचे राजा जनक
बेटा क्यों सोचेंगे? कहो बेटा कैसी रही? ऐसा है कि 16 गुरुवार का पारा हमें मत पढ़ा। ये 16 कोई कहता है तुम ऐसा कार्य करो हम ऐसा कर जाएंगे, उस पर विचार करना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं? विचार इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि सिद्धार्थ कहता है माता पिता प्रभु गुरु कै वाणी तो बिना ही विचार करिए सुन जानी। अगर माता जी आज्ञा दे, पिता जी आज्ञा दे, गुरु आज्ञा दे, भगवान आज्ञा दे तो यहाँ विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये नियम तुम्हारे यहाँ हो तो बताओ। सब विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात पर साधुवाद देते हैं। अच्छा, बड़े बड़े साधुवाद दे के चले गए। इस बात पर साधुवाद देते हैं। श्री महाराज जी शस्त्रों को लाया, आपके द्वारा कहा गया तो गुरु के द्वारा आदेश दिया जाए, गुरु यदि गलत काम करवाए तो मानना चाहिए, सही काम करवाए तो मानना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि गुरु कभी गलत काम नहीं करता है। बस हो गई तो हो गया। लेकिन श्री महाराज जी एक और सुन लीजिए, अगर विचार किया जाता है तो अनुचित होता है। क्यों? प्रमाण कहता है उचित की अनुचित करिए विचारू तो धर्म जाए सब पापक भारू। अगर हम उचित या अनुचित का विचार करते हैं तो हमारा धर्म चला जाएगा, हमें पापी कहा जाएगा, इसलिए हमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा ये बताओ, अब मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम गुरु की मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ या ना? गुरु की बात ऐसा है बाबा सर जी, हम गुरु की बात मानते हैं। मानते हो? हाँ। पिताजी की? भाई मानने वाले मानते हैं। माता जी की? मानने वाले मानते हैं, बिना मानने वाले नहीं मानते हैं। तुम किसी को नहीं मानते हो। प्रमाण मिलता है मां नहीं मां, पिता नहीं देवा और साधु सब करवावन सेवा। अरे यहाँ का ये नियम है। एक क्षण हाँ। क्या कहा? माने माँ पिता नहीं देवा, ऐसा है बाला सिंह जी? माने नहीं माँ तो पिता नहीं देवा। अच्छा हाँ, हम तो मानते हैं समय समय पर, पहले भी कहा माने माँ पिता नहीं देवा, साधु संत करवावे सेवा। देवताओं को करवाते साधु संतों से सेवा। ये हमें चौपाई का उल्टा समझाओ भाई, हमें चौपाई का सीधा सीधा आप बताओ। माने ही माँ पिता, माता पिता को मानते हो? मानते हैं समय समय पर, मानते हैं। हम वही बात कहेंगे, हम बात वही कहेंगे जो कह रहे हैं। समय समय पर डॉक्टर बाप मानता है। एक बात सुनो, चाहे माता हो चाहे पिता हो, समय समय पर मानता है। वैसे हम बाप की बात नहीं मानेंगे, नहीं मानो, नहीं माने, समय समय पर मानेंगे। हमारे यहाँ तुम्हारा ये आदेश है, तातन और मातन को हरो रोज रातन सो, ये तुम्हारे यहाँ का आदेश है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ नहीं ऐसा होता, तुम्हारे यहाँ होता है कि माता पिता को रोज रातों से मारा जाए। कोई देवताओं को न माने, कोई गुरुओं को न माने, शुभ आचरण कतौ नहीं होई और देव पितृ गुरु मान न कोई, ये तुम्हारे यहाँ करियर, हमारे यहाँ करियर नहीं है। इसलिए हमें 16 गुरुआत हमें रख रहा है, हमसे जो बात करो वो सीधी सीधी करो। इसलिए मैं कहता हूँ होने दो कन्या का विवाह, रावण जी अब होने दो कन्या का विवाह, मत इसमें फिक्र मचाओ तुम। किसी ने बुलाया तो खा नहीं, वरना पीले चावल दिए थे वो खा रहा बेटा। यदि आ ही रहे हो मिथिला में तो इसमें कुछ हाथ बताओ तुम। कन्या के शुभ कामों में जो रोड़े लगाते हैं, देखो इधर इधर देखो, किसको दे रहे? हमारे मन